हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंडिस। दोस्तों, आज हमारे पास है ये ओप्पो का A9 2020 एडिशन हैंडसेट। और जैसा कि देख सकते हैं कि इस स्मार्टफोन में पैटर्न से रिलेटेड इशू यहाँ पे अभी हमें फेस करने को मिल रहा है। यहाँ पे पैटर्न लॉक लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पर करेक्ट पैटर्न डाल रहे हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर इशू दिख रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने ओप्पो के स्मार्टफोन को बहुत ही इजी वे से अनलॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका कोई भी डेटा यहाँ पे डिलीट नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका कोई भी डेटा, चाहे वो फ़ोटो हो, वीडियो हो, कोई भी आपका डेटा हो, वो डिलीट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, किस तरीके से इसको हम करेंगे, इस पूरे ट्रिक को आप देखिए, सीखिए, समझिए किस तरीके से किया जाता है। साथ ही साथ बिल्कुल ये फ्री है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मैसेज आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को हम बहुत ही जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम करना ये है आपको कि आपके स्मार्टफोन का जो बैटरी का परसेंटेज है वो आप पहले चेक कर लें कि क्या ये बैटरी का परसेंटेज है जो आपका स्मार्टफोन है उसका 50 से ऊपर होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्मार्टफोन का जो बैटरी है 64% है, तो ये बिल्कुल इनफ है इस ट्रिक के लिए। साथ ही साथ जब भी आपका स्मार्टफोन लॉक होता है, आपको नीचे दो ऑप्शन जरूर दिखते हैं। एक तो ये आपका बैक वाला आप देख सकते हैं और बगल में जो है इमरजेंसी कॉल वाला ऑप्शन है। तो ये दो ऑप्शन आपको कंटिन्यू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अब हमें देखिए क्या करना है। सबसे पहला काम जो है, हमें इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ये इमरजेंसी कॉल वाले आपको यहाँ पे या तो किसी इमरजेंसी, जस्ट लाइक पुलिस, एम्बुलेंस, ये सब को बुलाने के लिए इसका यूज किया जाता है इमरजेंसी में, इसलिए इसको इमरजेंसी मोड भी कहते हैं। और इमरजेंसी जो है कॉल के लिए ये अच्छा फैसिलिटी होता है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपने स्मार्टफोन का हमें FRP अनलॉक करना है। तो FRP अनलॉक के लिए तो आपको पता है कि उसको सेटिंग से अनलॉक किया जाता है, लेकिन हमारे स्मार्टफोन अभी यहाँ पे लॉक है तो सेटिंग ओपन होगा नहीं। तो मैं आपको कुछ हिडन कोड बताऊँगा, इस हिडन कोड के थ्रू आप अपने स्मार्टफोन को FRP के थ्रू अनलॉक कर पाएंगे और FRP को अनेबल डिजेबल कर पाएंगे। तो पहले देखिए, ध्यान दीजिए कि मैं जो आपको कोड बता रहा हूँ ये ओप्पो A9 2020 एडिशन के लिए ही होगा, ठीक है ना? और जितने भी ओप्पो के स्मार्टफोन है उसके लिए अलग अलग है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा स्मार्टफोन है, तो उस हिसाब से मैं आपको वो कोड प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फिलहाल जो कोड यहाँ पे आप देख रहे हैं, *8523699 और #, ये कोड आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसको मैंने किस तरीके से यहाँ पे डायल किया है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से इसको करना है। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको बस कॉल कर लीजिए। और कॉल करने के साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि मिनिमम ये 10 बार आप इसको टैप कीजिए, कॉल कीजिए। ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब आपको इसको छोड़ देना है इस तरीके से और इस ऑप्शन को यहाँ पे भूल जाना है, ये ख़त्म हो गया। आपका FRP जो है अनलॉक हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट क्या करना है, *8999 और #, यहाँ पे आपको दबा लेना है। तो इसको दबाने के साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि इमरजेंसी जो कॉल वाला ऑप्शन था वहाँ पे आपको इंजीनियर मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग से इसको अनेबल डिजेबल करके आप अपने स्मार्टफोन में बहुत सारे चेंजेस को कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे करना नहीं है। सबसे पहला काम करना है कि सबसे पहले हमें चल जाना है ये सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे। सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे जब भी आप जाएंगे तो आपको नीचे में मिलेगा एक तो फैक्ट्री वर्जन, एक मॉडर्न वर्जन। तो आप इन दोनों वर्जन को देख लीजिएगा। ये आपका जो है फैक्ट्री वर्जन 1000 से नीचे होना चाहिए, हमारा 947 है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न वर्जन जो है आपका 50 से नीचे होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे 30.7 है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट आपको ये देखना है कि आपका स्मार्टफोन में जो OTA वर्जन है क्या वो भी 1000 से ऊपर है। लेकिन यहाँ पे 1000 से ऊपर नहीं है, 605 है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। अगर आपके स्मार्टफोन में कुछ इसी तरीके का है तो आप बिल्कुल देख के इसको कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको देखना है कि आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है ये यहाँ पे 10 होना चाहिए।
एंड्रॉयड वर्जन जो है आपका 10 होना चाहिए, 9, 8 ये नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जो है आपको ये जो ऑप्शन आ गया तो नीचे से इसको बैक कर लीजिए। बैक करने के साथ ही साथ आपको ये करना है कि नीचे आपको NV पैरामीटर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको 5 से 6 बार इसको टैप कर लेना है। टैप करने के साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये करना है कि एक ऑप्शन आपको दिखेगा मैनुअल टेस्ट का, इसको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर लेना है। मैनुअल टेस्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, असेंबली टेस्ट प्रोजेक्ट है तो इसको यहाँ पे स्किप करेंगे, डिवाइस में आ गए, फिर कैमरा, फिर मीडिया, फिर उसके बाद WCN, कम्युनिकेशन, और एक सबसे लास्ट जो पेज है वो है अदर्स का पेज। अदर्स के पेज में आपको यहाँ पे मेन बोर्ड वर्जन दिख रहा होगा, रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर के ऊपर में आपको मेन बोर्ड वर्जन दिख रहा है। तो यहाँ पे मेन बोर्ड वर्जन के अलावा बहुत सारे लोगों के स्मार्टफोन में डेटाबेस वर्जन होता है, तो जिन लोगों का डेटाबेस वर्जन है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस वर्जन का जो सिक्योरिटी है बहुत ही लो होता है। तो डेटाबेस वर्जन है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका मेन बोर्ड वर्जन है तो यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मेन बोर्ड वर्जन को ब्रेक करना, तोड़ना जो है बहुत ही टफ है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने स्टेप में। सबसे पहले यहाँ पे रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका फेल का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर का फेल आने का मैसेज है कि आपके किसी न किसी सेटिंग में कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब हम यहाँ पे बैक करेंगे। सबसे पहले रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर हमारा काम नहीं कर रहा है, क्या आपके स्मार्टफोन में रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर काम कर रहा है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब हम चले जाएंगे मेन बोर्ड वर्जन पे, भी कुछ 5 से 6 बार टैप कर लेना है और इसके साथ ही साथ आपको की स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप की स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पास का नोटिफिकेशन एकदम कंटिन्यू आपको दिख रहा है कि सभी जो ऑप्शन हैं यहाँ पे फुल्ली पास हो गए हैं और आपको यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है HDCP की नॉट सपोर्टेड जो दिख रहा है ये आपका Wild 1 L1 की जगह पे होता है, तो Wild 1 L1 आपका नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार ये सब देखने में काम आता है, तो हमें इसका कुछ उतना खास काम नहीं है। अब हम इसको बैक करेंगे और फिर से यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट पेज पे चले जाइएगा और फिर से इसको बैक करेंगे। अब हम आ गए हैं मेन जो हमारा इंजीनियर मोड होता है उसके पेज पे। तो जब भी हम मेन मोड पेज पे आते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले तो ये वाले ऑप्शन पे, बीच वाले ऑप्शन पे डायरेक्टली इसको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक हुआ आप देख सकते हैं कि हमारा स्मार्टफोन जो है बिल्कुल कम्प्लीटली अनलॉक हो चुका है और हमें कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ भी हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।